आयुर्वेद प्राचीन भारतीय प्राकृतिक और समग्र वैदिक शास्त्र चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद में आयुर का अर्थ है दीर्घ आयु और वेद का अर्थ होता है विज्ञान, यानी आयुर्वेद का पूर्ण रूप से अर्थ है जीवन का विज्ञान। आयुर्वेद की शुरुआत वर्षों पहले भारत में हुई। आयुर्वेद का पूरा रहस्य भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ है। आज विश्व भर की ज्यादातर आधुनिक और वैकल्पिक चिकित्सा आयुर्वेद से ही ली गई है। प्राचीन आयुर्वेद चिकित्सा की शुरुआत देवी देवताओं के ग्रंथों से हुई और बाद में यह मानव चिकित्सा तक जा पहुंची। सुश्रुत संहिता में साफ साफ लिखा गया है कि धन्वंतरी ने किस प्रकार से वाराणसी के एक पौराणिक राजा के रूप में अवतार लिया और उसके बाद कुछ बुद्धिमान चिकित्सकों और खुद आचार्य सुश्रुत को भी दवाइयों के विषय में ज्ञान दिया। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि आयुर्वेद के ज्ञान का उपयोग सिंधु सभ्यता में भी पाया गया है, साथ ही बौद्ध और जैन धर्म में भी इसकी कुछ अवधारणाओं और प्रथाओं को देखा गया है। भारत की हजारों साल पुरानी इस प्राचीन पद्धति आयुर्वेद के महत्व का परिचय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग विभाग बनाकर कराया है। अपने पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीपद यसो नायक को आयुष मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार सौंपा। आयुर के तहत आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग की तरह ही आयुर्वेद को भी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में लोकव्यापी बनाने के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया और इस साल राजस्थान के जयपुर में चतुर्थ राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में आयोजित चौथे राष्ट्रीय आयुर्वेद समारोह को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय संस्कृति के लिए आयुर्वेद ही सबसे उपयुक्त चिकित्सा पद्धति है। वर्षों पुरानी इस पद्धति को लोकप्रिय बनाने के लिए समाज में जागृति लाने की आवश्यकता है। बरसों से हम आयुर्वेद उपचार के माध्यम से जड़ी बूटियों के माध्यम से अभी नेचुरलपैथी हो गया, पंचकर्मा हो गया, ये उस समय भी था। ये हमारी आयुर्वेद हमारी उपचार की सबसे पुरातत्व संस्कृति है और आज देश और दुनिया भी इस दिशा की ओर बढ़ रही है कि किस तरीके से हम आयुर्वेद उपचार के माध्यम से सारे देश और विश्व को स्वस्थ रख सकें, दीर्घायु बना सकें, इसके लिए भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और जो हमारा अतीत है, हमारा अतीत ये बताता है कि हमारे ऋषि मुनि रहे हों, हमारे उस समय के राजा रहे हों, तमाम लोग अपनी जनता के लिए स्वस्थ और दीर्घायु होने के लिए आयुर्वेद चिकित्सा ही एकमात्र चिकित्सा थी। और आप देखते होंगे आयुर्वेद चिकित्सा के कारण ही भारत सबसे स्वस्थ और लंबी आयु प्राप्त करने वाला देश था। आज आजादी के बाद हम कुछ भौतिक कारणों से, भौतिक संसाधनों के उपयोग के कारण आज तेज दौड़ती हुई चिकित्सा पद्धति के कारण हमने हमारी पुरातत्व संस्कृति को हम लुप्त होते जा रहे हैं। हम भारत के अंदर लोगों को दीर्घायु और स्वस्थ रखने में एकमात्र चिकित्सा पद्धति भारतीय है तो वह आयुर्वेद है, तो शायद हम दुनिया को नई दिशा दे पाएंगे।
लोकसभा अध्यक्ष के मुताबिक आज आयुर्वेद से दीर्घायु के सिद्धांत को पूरे विश्व में स्थापित करने की आवश्यकता है। इस कार्य में भारत प्रणेता की भूमिका निभा सकता है। आयुर्वेद के द्वारा ही जड़ से इलाज हो सकता है, जड़ से किसी बीमारी को समाप्त किया जा सकता है और आयुर्वेद के माध्यम से ही हमारी जंगलों में जड़ी बूटियों के माध्यम से बनी दवाइयों से ही व्यक्ति स्वस्थ और दीर्घायु हो सकता है। इस दिशा की ओर बहुत प्रयास करने की आवश्यकता है। ये मंत्रालय लगातार इस दिशा की ओर काम कर रहा है। मंत्रालय ने 4 एजेंडे पर काम किया है कि पहले इस देश के अंदर आयुर्वेद के लिए अच्छी शिक्षा के साथ आधुनिक तकनीकी और आयुर्वेद के माध्यम से शिक्षा के बाद उसमें शोध कि राजस्थान का जंगल हो चाहे देश का जंगल हो, उन जंगल के अंदर ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां मिली है, जब भी कोई इनका आविष्कार कर जर्नल निकालता है तो आज दुनिया के पलटते हुए परिप्रेक्ष्य के अंदर लोग उस जर्नल के आधार पर, उस जड़ी बूटी से होने वाले फायदे के आधार पर लोग आयुर्वेद चिकित्सा कराने की दिशा की ओर बढ़े हैं। और मेरा विश्वास है कि हम सब मिलकर इस दिशा की ओर अगर त्वरित गति से काम करें, समाज के अंदर आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा और जड़ी बूटियों के माध्यम से बनी हुई आयुर्वेद दवाइयों के माध्यम से इलाज की दिशा की ओर अगर सामाजिक रूप से जागरण का अभियान चलाएं तो हम लंबे समय तक भारत को स्वस्थ और दीर्घायु रख सकते हैं। आयुष मंत्री श्रीपद येसो नाइक कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल रहे। 4th राष्ट्रीय आयुर्वेद समारोह को संबोधित करते हुए आयुष मंत्री ने कहा कि आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए आयुष मंत्रालय ने 18 देशों के साथ समझौता किया है, जिसके तहत अब इन देशों में आयुर्वेद के प्रसार के लिए मिलकर कार्य किया जाएगा। आज नॉन कम्युनिकेबल रोगों का जाल ऐसा फैलने लगा है कि संसार की स्थापित चिकित्सा पद्धतियों ने अपने हाथ खड़े कर दिए है। ऐसे में मानव कल्याण के पावन उद्देश्य को लेकर आयुर्वेद सहित आयुष की अन्य पद्धतियां इस चुनौती को स्वीकार करने में सक्षम है। वर्ष 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना हो गई और यह मंत्रालय उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है, लेकिन अभी स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां बहुत बड़ी है और बड़ी होती ही जा रही हैं। ऐसे में जो समृद्ध ज्ञान हमारे पास उपलब्ध है उसका किस प्रकार उपयोग किया जा सके, किस तरह से उसे लोक व्यवहार में उतारा सके जिससे दोनों दिन और आगे बढ़ते जा रहे भारत के स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च को कम किया जा सके। पूरे देश में सभी हमारी पेशियों का काम अच्छी तरह चल रहा है। इसके बाहर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 18 दूसरे कंट्री में, फॉरेन कंट्री में भी हमारे MOU हुए हैं और वहाँ अभी आयुर्वेदा का बाकी सब पेशियों का काम शुरू है। कई देशों में तो उनके यूनिवर्सिटी में हमने शहर दे दिया है, वहाँ आयुर्वेदा या बाकी पैथी वहाँ पढ़ाई जा रही है। 58 इंफॉर्मेशन सेंटर 28 देशों में दे दिया गया है और इसलिए मुझे खुशी है बताने के लिए कि हम हिंदुस्तान में नहीं बल्कि आज एक एक देश प्राधारगत करके हमारा आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन सभी जगह फैलाना चाहते हैं। आयुष्मान भारत के बारे में आप सभी जानते हैं कि उसमें आयुष मंत्रालय महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मैंने जैसा कहा कि 12,500 वेलनेस सेंटर शुद्ध आयुष के होंगे, आयुर्वेदा के और बाकी सभी पेथी के होंगे और पूरे देश में जैसा हमने 500 राजस्थान को दिया है, बाकी सभी राज्यों में भी इसी तरह का हम इस सेंटर को खड़ा करने की हमारी मंशा है। इससे पहले जो जब नया मंत्रालय बना, आयुष मिशन बना, उस आयुष मिशन के जरिए हमने पहले जो काम किया वो कई जो एक दो स्कीम हमने निकाली वो तो एक कोलोकेशन स्कीम थी और इस स्कीम के आधार पर हर गांव में जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है
उसी हेल्थ सेंटर में कोलोकेशन टीम के द्वारा हमारे आयुष के डॉक्टर वहाँ बैठने लगे और लोगों की सेवा करने में आज तक वो सेवा चल रही है। दूसरा जो विषय है वो तो हमने हर डिस्ट्रिक्ट को आयुष मिशन के जरिए एक 50 बेड का हॉस्पिटल देने का वायदा किया है और आज तक हमने कम से कम 100 हॉस्पिटल को पूरा किया है। वो कम से कम जल्दी से जल्दी वो हॉस्पिटल हर डिस्ट्रिक्ट में होंगे। लोकसभा टीवी के साथ बातचीत करते हुए आयुष मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने आयुष मंत्रालय की कई उपलब्धियों का जिक्र करते हुए भविष्य की रूपरेखाओं पर भी विस्तार से अपनी बात रखी। आयुर्वेद की यात्रा के 4 साल और इन 4 सालों में कई पड़ाव सामने आए और इस समय राजस्थान के जयपुर में चतुर्थ आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है और इसके उद्घाटन के मौके पर स्वयं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी और आयुष मंत्री श्रीपाद नायक जी उपस्थित रहे। इस समय सीधे बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं श्रीपाद नायक जी जो आयुष मंत्री हैं। सर, 4 साल आयुर्वेद की यात्रा में कैसे देखते हैं इसे आप? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस तरह से हमारी सिस्टम इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को एक अच्छी तरह से उठाने का उभारने का प्रयत्न जो किया है और जो सबसे पहले उन्होंने आयुष मंत्रालय बना दिया, 2014 से ये मंत्रालय कार्यरत है। 2016 में जैसा वर्ल्ड योगा डे आप मनाते 21 जून को मनाते उसी धरती के ऊपर हमने 2016 में जो धनतेरस है धन्वंतरी जयंती है उसी के मौके पर उसी दिन को हमने इस दिन को आयुर्वेदा डे घोषित किया। गए 2016 से गए 4 सालों से हर जगह हम अलग अलग जगह ये हम आयुर्वेदा डे मनाते हैं। गए साल में दिल्ली किया था, इस साल मैंने जयपुर में राजस्थान में लाया ताकि जहाँ हम जहाँ लोगों में एक एक तरह की जन जागृति हो आयुष के प्रति आयुर्वेदा के प्रति लोगों का ध्यान बटे और इसलिए हम अगले साल का भी अगले राज्य में करेंगे और एक बहुत सपोर्ट लोगों की ओर से हमें मिल रहा है और आज जिस तरह से हमारा मंत्रालय आगे जा रहा है आज बहुत से लोग आज आयुर्वेदा की तरफ आयुष के प्रति अपना अपने रुझान दिखाने लगे हैं। हमने जहाँ जैसे दिल्ली जैसे प्रदेश में एक बड़ा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा वहाँ बनाया है, उसमें रिसर्च चलता है, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज चलता है, डे टू डे 100 बेड का हॉस्पिटल है, ओपीडी है, डे टू डे कम से कम 2000 के आसपास पेशेंट वहाँ आते हैं। ये दर्शाता है कि किस तरह से लोगों की रुचि आयुर्वेदा की तरफ बढ़ रही है। इसी तरह का इंस्टीट्यूशन हम अलग अलग राज्यों में बनाते हैं, एक हम हरियाणा में बनाएंगे, पंचकुला में, एक गोवा में बन रहा है, एक कर्नाटका में भी बना, इसी तरह के हर राज्यों में एक एक जैसे जैसे हमारे पास पैसा मिलता है उसी तरह से हम इस तरह से बढ़ाते हैं। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि लोगों में जन जागृति करना और आयुर्वेदा आयुष के सभी 35 लोगों के घर 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 तक पहुंचना ये हमारा लक्ष्य है और इसी लक्ष्य को सामने रख के हम कार्य कर रहे हैं। सर, वैसे तो आयुर्वेद की बहुत लंबी यात्रा रही है, बहुत प्राचीन संस्कृति और सभ्यता का एक स्थान रहा है, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 साल पहले एक परिकल्पना की आयुष मंत्रालय को अलग करने की, तो क्या एक जन जागरण के तौर पे आज आप देख रहे होंगे लोग जुड़ रहे हैं, लोग अपना रहे हैं? जरूर अपना ले है, वो पेशेंट के लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। जहाँ जहाँ हमारा यूनिट चलता है हमने को लोकेशन स्कीम में हर प्राइमरी सेंटर में अपने हमारे आयुष के डॉक्टर वहाँ बिठाए हैं, वहाँ लोग दिन में बहुत लोग आते हैं। दूसरी हमारी जो आयुष नेशनल आयुष मिशन के जरिए हमने हर डिस्ट्रिक्ट में अभी एक 50 बेड हॉस्पिटल बनाने की काम शुरू किया है। कम से कम 100 डिस्ट्रिक्ट में हमारा अभी तो बन रहा है, कहीं बन गए हैं, अभी शुरुआत करने की ज़रूरत है। तो पूरे 650 डिस्ट्रिक्ट में हम एक एक हॉस्पिटल पहले स्टेप पर बनाएंगे और जो हर प्राइमरी सेंटर पे हमारा काम चालू है। तो ये जन जागृति जो है तो इलाज के माध्यम से ही जन जागृति होगी और हमारा मकसद जैसा मैंने कहा कि हमारा मकसद हर गाँव में अपना आयुष का अलग यूनिट होगा और प्रधानमंत्री जी ने हमें 12,500 आयुष वेलनेस सेंटर दिए हुए हैं तो वो सेंटर हम पूरे गांव-गांव में बनाएंगे ताकि लोगों को उनके यहाँ ही सेवा उपलब्ध हो जाएगी। सर, एक बहुत अहम सवाल मेरा है कि जिस तरह से पहले डॉक्टर्स जो हैं आयुर्वेद में और किसी चीज़ में आने से कतराते थे, जब से आपका मंत्रालय आया और जिस तरह से आपने जन जागृति और फोकस करके कुछ बिंदुओं को तय किए हैं, अब आपको लगता है कि ऐसे चिकित्सक भी आ रहे हैं जो सिर्फ आयुर्वेद में अपना करियर बनाना चाहते हैं? जरूर, आज ये भी जन जागृति हुई है और मैं सबसे पहले जिस डॉक्टर ने आयुर्वेदा को समर्पित किया है अपना पूरा जीवन, क्योंकि कई डॉक्टर हमारे ऐसे हैं उनको एलोपैथी में टॉप लेवल पर एडमिशन मिलता था,
उन्होंने बोला ये हमारा नहीं है, ये जो हमारा है वही मैं एडमिशन ले लूँगा। आज ये बड़े साइंटिस्ट हो गए, इनका मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद क्यों करता हूँ कि उन्होंने इस आयुर्वेदा को आयुष्पति को जिंदा रखा, इसलिए आज जो स्थिति बन गई उनके आधार पर उनके त्याग पर ये बन रहा है। और इनको मैं सचमुच नमन करता हूँ। और आयुष का आयुर्वेदा का भविष्य उज्ज्वल है, आज लोग आयुर्वेदा की आयुष की शक्ति जानने लगे हैं। हमारा मकसद इतना ही कि हमारा पूरा भारत निरोगी रहे और ताकतवान रहे, यही हमारी भावना है और इसी को आगे लेके इसी को हमें लक्ष्य करके हम आगे जा रहे हैं। थैंक यू सर। तो ये थे आयुष मंत्री श्रीपाद नायक, जिनका साफ साफ मानना है कि स्वस्थ भारत के लिए आयुर्वेद बहुत ज़रूरी है और जिस तरह से आयुर्वेद की यात्रा आगे बढ़ रही है ये अपने आप में एक काफ़ी अहम कदम माना जा सकता है। राजस्थान के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद मंत्री रघु शर्मा ने कार्यक्रम में जानकारी देते हुए कहा कि पूरे राजस्थान में 20 स्थानों पर आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति पर आधारित मेडी टूरिज्म सेंटर विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा सूबे में अगले 3 साल में 500 स्वास्थ्य कल्याण केंद्र भी खोले जाएंगे। मेडी टूरिज्म और आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति जिस रूप में केरल ने अपनाई है, आज पूरी दुनिया में केरल का आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के मामले में नाम एक खासा स्थान रखता है केरल। उसी तर्ज पे हमने भी राजस्थान में 20 जगह आइडेंटिफाई की है। आने वाले समय में प्रस्ताव हम भारत सरकार को भेजेंगे, 20 जगह पे ज़मीनें चिन्हित करने की बात की है। राजस्थान एक टूरिस्ट स्टेट है, हमारी इकोनॉमी भी बूस्ट हो, आयुर्वेद का भी प्रचार प्रसार हो, लोगों का विश्वास भी आयुर्वेद में जमे, इसके लिए हम राजस्थान के जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं 20, वहाँ पे आने वाले समय में मेडी टूरिज्म के पॉइंट ऑफ से आयुष की, चाहे पंचकर्म की है, योगा की है, आपका नेचुरोपैथी के सेंटर्स डेवलप करने की बात हो, इसके साथ साथ हम जो हमारा मेडिसिनल प्लांट बोर्ड था जो जीवित अवस्था में नहीं था, अभी सरकार बनने के बाद हमने उसको पुनर्जीवित किया है। चौथे राष्ट्रीय आयुर्वेद समारोह को संबोधित करते हुए आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोठेचा ने कहा कि भारतीय चिकित्सा पद्धति को लेकर संसद में एक विधेयक पेश किया गया है, जिसके पारित होने पर आयुष विशेषकर आयुर्वेद को देश विदेश में लोकप्रिय बनाने में क्रांतिकारी बदलाव किए जाएंगे। नेशनल आयुष मिशन के साथ राजस्थान सरकार का जो सहयोग है ये आदर्श के रूप में है। देश भर में बाकी सब राज्यों के साथ मिलकर जो काम कर रहे हैं उसमें राजस्थान में आयुष के डिस्पेंसरीज देश भर में सबसे ज़्यादा है। और अभी भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने मिलकर के एक संकल्प लिया है कि इसमें से जो 500 डिस्पेंसरीज है उसको अपग्रेड करके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया जाएगा अगले 3 वर्षों में। नेशनल आयुष मिशन के माध्यम से देश भर में सभी जिला केंद्रों पर सभी PHC में कोलोकेटेड फैसिलिटीज के माध्यम से 27,000 से ज़्यादा आयुष चिकित्सक पदस्थ है और सभी जिला अस्पतालों में आयुष के हॉस्पिटल 20 बेड से लेकर के 50 बेड के हॉस्पिटल चल रहे हैं। और पिछले 5 वर्षों में आपको ये जानकर के बड़ा हर्ष होगा कि जब 2014 में पहली बार NDA की सरकार आई माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उससे इस वर्ष में 4 गुना ज्यादा बजट आवंटित किया गया है। लोकसभा TV के साथ बातचीत के दौरान आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने विस्तार से आयुर्वेद की यात्रा का जिक्र करते हुए सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और कहा कि देश में इस वित्त वर्ष में 4,200 स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों पर आयुष उपचार पद्धति की सुविधा मिलने लगेगी। आने वाले दिनों में हम ऐसा सोच रहे हैं, चाह रहे हैं कि ये आयुर्वेद दिवस जो है वो विश्व आयुर्वेद दिवस के रूप में इसकी घोषणा हो, जैसे विश्व योग दिवस है, वर्ल्ड योगा डे है, उसके अनुसार ये भी आगे हम इसको आगे लेके जाना चाहते हैं। मुख्य हेतु क्या है कि इसके माध्यम से एक जानकारी जागरूकता आयुर्वेद के बारे में, और हम एक थीम लेते हैं जैसे इस वर्ष दीर्घायु के लिए आयुर्वेद है, पिछले वर्षों में आयुर्वेद फॉर पेन मैनेजमेंट था, आयुर्वेद फॉर पब्लिक हेल्थ था। तो हेतु ये है कि
सबकी एनर्जी एक दिशा में लगे और नए नए शोध हों, तो वर्ष भर दीर्घायु के लिए, आयुर्वेदा फॉर लॉन्गिविटी के लिए हम शोध कार्य करेंगे, पब्लिक अवेयरनेस के कार्यक्रम करेंगे और ऐसे कैंप लगाएंगे कि पिछले चार वर्षों में जो नंबर ऑफ पेशेंट्स हम लोग देखते थे वो दोगुने हुए हैं देश भर में, जो केंद्र और राज्य सरकारों के चिकित्सालयों में, और पिछले 2014 से लेकर के अभी पाँच वर्षों में जब से NDA की पहली सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनी, तब से लेकर के आयुष का जो बजट है वो चार गुना हुआ है, तो ये बताता है कि काम कितना बड़ा है। चौथे राष्ट्रीय आयुर्वेद समारोह में देश के कई ख्याति प्राप्त आयुर्वेद विशेषज्ञों को धनवंतरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार के रूप में इन्हें 5,00,000 रुपए की राशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। आयुर्वेद के क्षेत्र में विशेष तौर पर उल्लेखनीय कार्य कर रहे सभी आयुर्वेद विशेषज्ञों ने भारत की ओर से राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाने की पहल को सकारात्मक बताते हुए आयुर्वेद को जीवन में आत्मसात करने की अपील की। आयुर्वेद स्वास्थ्य रक्षण के लिए बताया गया शास्त्र है और पूरा जड़ से व्याधि निवारण करने के लिए आयुर्वेद शास्त्र में बताया गया है और ये शाश्वत है, और अभी दुनिया भर में आयुर्वेद शास्त्र का प्राचुर्य हो रहा है। 50 साल पहले जो था अभी आयुर्वेद का वैसा नहीं है। केंद्र सरकार ने भी आयुर्वेद के लिए एक अलग मंत्री मंत्रालय भी बनाए गए हैं, एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन आयुर्वेद को दिया है। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, जो आजकल बड़ी बीमारियों में, कैंसर वगैरह बीमारियों में इलाज नहीं है, वहाँ इम्यूनिटी डेवलपमेंट के लिए दवाएं दे रहे, आजकल सर्जरी का केमोथेरेपी का गया है, वो इम्यूनिटी डेवलपमेंट जो है वो आयुर्वेद में ही है, व्याधि क्षमा शक्ति आयुर्वेद में है। ये साल जो केंद्र सरकार लिया है वो थीम जो है वो लॉन्ग जो आयु प्रमाण बढ़ाने का है, खाली आयु प्रमाण बढ़ाने से नहीं होता, हेल्थी आयु प्रमाण आयुर्वेद बता गया है, दीर्घायु नहीं सुखायु हितायु दोनों रहना है, ये आयुर्वेद में बताया गया। केवल आयुर्वेद में एलोपैथी में एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह है तो भी ये सुखायु का नहीं है, ओनली आयुर्वेद में ये है। ऐसा आयुर्वेद का जरूरत देश को है, समाज को है, और समाज का स्वास्थ्य रखने के लिए जैसा स्वच्छ भारत है ऐसा स्वच्छ समाज के लिए आयुर्वेद ही एक माध्यम है। जयपुर में आयोजित चौथे राष्ट्रीय आयुर्वेद समारोह में देश विदेश से शामिल हुए लोगों ने बीमारियों के इलाज की अपेक्षा रोकथाम के परंपरागत और घरेलू उपायों पर जोर देते हुए कहा कि आयुर्वेद के माध्यम से ही रोगों का इलाज कर आरोग्य की प्राप्ति की जा सकती है। साथ ही सभी लोगों ने एक सुर में विश्व योग दिवस की तर्ज पर विश्व आयुर्वेद दिवस मनाने की पुरजोर वकालत की। आज के जमाने में जहां लाइफस्टाइल डिसऑर्डर इतने सारे बढ़ रहे हैं, तो आयुर्वेदा क्योंकि स्वस्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम पे ही जोर देता है, तो लाइफस्टाइल सुधार के हम अगर स्वस्थ ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि ट्रीटमेंट ये कोई किसी भी चीज़ का उपाय नहीं है। आहार और निद्रा को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यही दो चीज़ें ऐसी हैं जो हमें लंबी आयु दे सकती हैं, लेकिन हमारा आहार और हमारी नींद ये दोनों चीज़ें बहुत डिस्टर्ब हो गई हैं, इसीलिए हमारे अंदर कई तरह की बीमारियां घर कर रही हैं। आयुर्वेद अपना वात पित्त कफ के अनबैलेंस होने से हमारे बॉडी के अंदर समस्याएं आती हैं, और आयुर्वेद उनको बैलेंस करने के लिए बहुत अच्छा पद्धति आयुर्वेद, और आयुर्वेद पे बहुत अच्छा काम हो रहा है, ये बहुत अच्छा है हमारे देश के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से पंचकर्मा इन सब चीज़ों में अच्छे से जुड़े हुए हैं, उसको मोटिवेट कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि आयुर्वेदा भी हर घर में पहुंचे, और जैसे ही छोटे छोटे जो उपचार हैं ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स हो रही हैं, तुलसी है या हमारी जो हर रोज़ की दिनचर्या में हम हल्दी यूज़ करते हैं, और घरों में पहुँचाना चाहिए। आयुर्वेद खान पान को इतने अच्छे ढंग से बताता है,
हर पर्सन का उसके उसके नेचर के हिसाब से, वात कफ पित्त के हिसाब से उसका नेचर डिफाइन करता है, उनका खान पान डिफाइन करता है। अगर ये हम आयुर्वेद को जन जन तक फैलाएं तो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो स्वस्थ भारत है उसका सपना ज़रूर पूरा होगा। और हम प्रधानमंत्री जी से, हम आपकी जनता की तरफ से यही आग्रह करेंगे कि ये आयुर्वेद डे को इंटरनेशनल आयुर्वेदा डे के रूप में मनाया जाए। चौथे राष्ट्रीय आयुर्वेद समारोह में आयुर्वेद से दीर्घायु पर एक पुस्तिका के विमोचन के साथ ही NIA जर्नल ऑफ ड्रग रिसर्च का डिजिटल विमोचन भी किया गया। बहरहाल आज देश में आयुर्वेद को मजबूती देने की दिशा में मोदी सरकार कई पहल शुरू कर चुकी है। हालांकि कुछ दिक्कतों के बावजूद आयुर्वेद जीवन शैली का अंग बन चुका है। बड़े बड़े अस्पतालों में इसकी अलग से शाखाएं शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में जरूरत है तो सिर्फ मानसिकता में बदलाव लाने की। सरकार के साथ साथ अगर हम लोग भी आयुर्वेद को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल कर लें तो शायद वो दिन दूर नहीं जब योग दिवस की तर्ज पर विश्व समुदाय विश्व आयुर्वेद दिवस मनाना शुरू करे और भारत अपनी सभ्यता और धरोहर की पहचान का प्रणेता एक बार फिर से बन सके।